got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. Guys, life की जो सबसे खास दिन होती है ना, वो थी आज मेरे लिए। सर्जरी को पहली बार आज हम ऑब्जर्व करने जा रहे थे अपने आँखों से। एंड यू नो कि यार, आज हम बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। सो हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता हो कि रिसेंटली यार मैंने सबसे पहली बार सर्जरी डिपार्टमेंट में गया था एंड बहुत कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। एंड गाइस, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया ताकि आपको उस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिले यार, कि आप लोग भी यहाँ पे आओ, कि चलो यार फ्यूचर में हमें भी यहाँ जाना है। सर, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे आते हो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैंने एक अपने सीनियर को मैसेज किया एंड उन्होंने मान गए कि चलो आ जाओ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे यार मैं गया ऑपरेशन थिएटर के पास, ठीक है। वहाँ पे पहले तो सबसे पहले बोला गया कि जो ऑपरेशन थिएटर का जो ड्रेस होता है वो ड्रेस ले लो, ठीक है। तो वो ड्रेस मैंने चेंज किया, जो नॉर्मल एप्रन होता है वो ड्रेस में कन्वर्ट हो गया, फाइन। एंड यार उसके बाद बोला गया कि शूज हटाना, कि ये चीज़ आपको पता हो कि ऑपरेशन थिएटर में शूज़ पहन के नहीं जाना होता है, एंड फाइन। एंड उन्होंने फिर सबसे पहले मुझे समझाया कि यार केस क्या है। तो केस जो था इंग्वाइनल हर्निया केस था, एंड दूसरा सेकेंड केस था वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, हमारे सीनियर्स वहाँ पे फिर ऑपरेशन में लग गए एंड हम बस वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। गाइस, यू नो कि यार सबसे मोस्ट, कितना अच्छा फील होता है ये चीज़ कि यार आप किसी लिविंग पेशेंट को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे फर्स्ट ईयर में होता है कि आप एक डेड कैडावर को ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे जो भी है सीखते हो। बट यार सर्जरी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लिविंग पेशेंट के साथ सीखते हो, कि बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला एंड फाइनली यू नो कि जो बॉस थे वो मना कर दिए थे कि वीडियोस वहाँ पे जो ओरिजिनली जब ऑपरेशन हो रहा होगा उसका वीडियो नहीं बनाना। एंड बाकी तो मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किए थे परमिशन लेके, ठीक है, जब स्टिचिंग हो रहे थे तो वो सारे। एंड यू नो कि यार सारे बॉस लोग वन आवर तक बिजी थे इस ऑपरेशन में, फाइन। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होता है कि हेक्टिक होता है, आप लोग को लगता होगा कि यार फर्स्ट ईयर में क्यों रैगिंग होता है, ठीक है। तो एक चीज़ रैगिंग का फ़ायदा होता है यार कि आप ना घंटों खड़ा रहना सीख जाते हो, फाइन। तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने फील की एंड फाइनली ऑपरेशन वहाँ से ख़त्म हुआ। पहला ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग को एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। तो हम यार वहाँ पे ड्रेस चेंज करके चले गए, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने, टी ब्रेक लिए थे। एंड उसके बाद फिर से एक नया केस आया था जो मैं ऑब्जर्व करने गया, वो था गॉल ब्लैडर का। गाइस, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन होता है, जो कि आपको मैं ऑब्जर्व करने के दिखाऊंगा वीडियो में। तो वो गॉल स्टोन को यार मैंने देखा, फाइन। एंड उस गॉल स्टोन को टच भी किया, जो कि आई थिंक यार मस्त वाला फीलिंग था यार, एक रियल गॉल स्टोन को टच करना, ठीक है। मे बी आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ वीडियोज या फोटोज में। तो गाइस, वो चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। यू नो कि यार मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि आप लोग बस मेहनत करो, तो इस दिन के लिए मेहनत करो, जो दिन मैंने देखा बस उस दिन के लिए मेहनत करो। आप लोग के पास बहुत सफिशियंट टाइम है, 3 महीना टाइम है यार, बहुत सफिशियंट होता है, कुछ भी इसमें कर सकते हो, फाइन। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि यार मैं टेलीग्राम चैनल पे, अपने चैनल पे हर रोज़ का टारगेट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, आप लोग उसके साथ तो कम से कम कंटिन्यू कर लो, ताकि आपको मोटिवेशन फील होगा। अगर हम आपके लिए हर रोज़ काम कर रहे थे यार, आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप भी यार ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल द एप्रन बॉय, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ऑब्जर्व करो यार पिछले वीडियो को, कितने लोग वहाँ पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ठीक है। बस मैं चाह ये रहा हूँ कि यार जो भी काम कर रहे हैं या फिर जो भी नए आ रहे हैं, बस स्टार्टिंग में मेहनत करने के लिए मत आना, ठीक है। आपको लास्ट तक अगर मेरे साथ रहना है तो आओ यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती से काम करेंगे, ठीक है। हर रोज टारगेट प्रोवाइड करेंगे आपको, आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा ना वहां पे भेजने में हम मदद करेंगे आपको, ठीक है। लिटरली आई एम हेल्पिंग ऑल, आप जा सकते हो, देख सकते हो कमेंट सेक्शन जहाँ पे हर रोज लोग बोलते हैं भैया ये मेरा ख़त्म हो गया, आज का टारगेट ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा फील होता है वो चीज़, ठीक है। तो गाइस आप भी कर सकते हो, ठीक है, बस मोटिवेटेड रहना यार, हर रोज़ अपना काम करें, इस दिन के लिए काम करना है जो दिन मैंने आज देख के आ गया, फाइन। तो यार मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बस मेहनत करते रहो, जोश में रहो, ठीक है। पढ़ाई करना है जोर से, फाइन। और पहली बार चैनल पे आते हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, अभी के अभी, ठीक है। चलो बाय बाय।